अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्ट ऑन डिमांड। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बटर चिकन की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। घर में मौजूद चीज़ों के साथ आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब होगा। रेस्टोरेंट्स में खाते हैं बिल्कुल उसी तरह का, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में लेंगे 3 टेबलस्पून दही। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। रेस्टोरेंट स्टाइल लुक के लिए रेड ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही खट्टा था इसलिए हमने नींबू ऐड नहीं किया है, आपके टेस्ट के मुताबिक आप नींबू ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैरिनेशन हमारा तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम चिकन जिसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसे छलनी में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब इसे मैरिनेशन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ चिकन विथ बोन लिया है, आप यहाँ बोनलेस चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैरिनेट करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें ऐड करेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 इलायची और 2 लौंग ऐड करेंगे बढ़िया से फ्लेवर के लिए। अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे रफली चॉप कर लिया था। इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट में इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे रफली चॉप कर लिया था। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून काजू और थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर लेंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए। अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। और जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए इसमें पानी शामिल करेंगे 1/4 कप। अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर और सारी ही चीज़ें अच्छी तरह से गल गई है। अब इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भुनेंगे। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक पैन में हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए इसमें एक एक करके शामिल करेंगे चिकन के पीसेस जो हमने मैरिनेट करके रखे थे। एक साथ ही पूरे पीसेस हम इसमें ऐड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। और जब इसे नीचे से अच्छा सा कलर आ जाए इसकी साइड्स को चेंज कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद चिकन 80% तक कुक हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। इसका पानी हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से सुखाएंगे और 2 से 3 मिनट के बाद इसका पानी बहुत अच्छी तरह से सूख गया है और चिकन पर भी ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। इस टाइम पर आप जलता हुआ कोयला रखकर इसे स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं या फिर ग्रिल नेट पर इसे ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे ऐसे ही ग्रेवी में ऐड किया था। इस चिकन फ्राई को आप ऐसे ही स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगेगा। अब जो प्याज और टमाटर का मिक्सचर हमने बनाकर तैयार किया था इसे मिक्सी की जार में ऐड कर लेंगे और इसे बारीक ग्राइंड करेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये मसाला पेस्ट बनकर तैयार है, इसे रखते हैं एक साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। ये वही ऑयल है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था, इसे हमने छान लिया है। अब इसी में शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून बटर और जब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून फुल भर के और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन निकल नहीं जाता। तो अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून फुल भर के लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे वो मसाला पेस्ट हमने तैयार करके रखा था, इसे हमने छलनी से छान लिया था ताकि हमारी ग्रेवी सिल्की और स्मूथ बने और इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड किया था। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे और जब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसमें शामिल करेंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी जिसे हल्का सा रोस्ट करके बारीक कर लिया था।
अब इसमें शामिल करेंगे पानी। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली रखना है तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करें। अब इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून दूध पर की जमी मलाई। इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। इसकी जगह आप पिसी हुई शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई शक्कर ऐड कर लें। अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। इतने में चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा और ये मज़ेदार फ्लेवर से भरपूर रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन बनकर तैयार है। इसे सर्व करें तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, कुलचे या नान के साथ, बहुत ही मज़े का लगेगा। स्टेप बाय स्टेप इसी रेसिपी को फॉलो करके एक बार बटर चिकन ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह सभी को पसंद आएगी। आई होप आज की ये बेहतरीन सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें। हमारी वीडियोस को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।